भाई बारिश के टाइम कैब वालों का बिल, एग्जाम के टाइम पर जब स्टूडेंट्स करें चिल, और जब इंजर्ड हो जाए शुभमन गिल, तो ये सारी बातें हमको टेंशन दे देती हैं भाई। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। और भाई साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है और इंग्लैंड सीरीज शुरू होने में अभी एक महीने से भी ज्यादा बाकी है। और आपको तो पता ही है, जिस तरह हमें खुशी होती है जब हमें दिख जाता है टूटता तारा, उसी तरह क्रिकेटर्स को आजकल खुशी मिलती है जब उन्हें मिल जाता है बायो बबल से छुटकारा। तो फिलहाल सीन यही है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने 20 दिन के लिए बायो बबल को बोल दिया है, पहली फुर्सत में निकल और मस्त इंग्लैंड में घूम रहे हैं। विराट कोहली अनुष्का भाभी के साथ डिनर कर रहे हैं, बुमराह भाई संजना भाभी के साथ पार्क में वॉक कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट करके बायो बबल से बाहर होने की खुशी मना रहे हैं, और शास्त्री जी को भी आई होप कोई बढ़िया सी बोतल मिली गई होगी, आई मीन गर्म पानी की बोतल। आजकल इंग्लैंड में ठंडी बहुत है ना, हेलो, ऐसा वैसा नहीं सोचने का। लेकिन बस एक खिलाड़ी है जो बायो बबल से बाहर होने का फायदा नहीं उठा पाए, वो है शुभमन गिल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन में लेफ्ट पैर में चोट लगाकर गिल हॉस्पिटल का बिल बढ़वा रहे हैं। मेडिकल टीम ने ये बताया है कि इस तरह की इंजरी से रिकवर होने में 8 हफ्ते लग सकते हैं। बाप रे बाप। गिल खुद ही रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो इंग्लैंड सीरीज के सेकंड हाउस में खेलना चाहेंगे, लेकिन उनकी इंजरी पर कोई भी अपडेट अगले हफ्ते ही मिल पाएगी। अब जब किसी प्लेयर को इंजरी होती है ना, तो आपको तो पता ही है, उसके घर वालों के अलावा पूरे देश को उसकी सेहत और उसकी रिप्लेसमेंट की चिंता हो जाती। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताने वाले हैं जो शुभमन गिल को एज एन ओपनर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुभमन गिल का सबसे ऑब्वियस रिप्लेसमेंट है अग्रवाल जी के लड़के मयंक। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मयंक ही टीम इंडिया के ओपनर हुआ करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनके खराब प्रदर्शन ने उनका पत्ता काटा और गिल ने यह मौका लपक के सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। लेकिन पहले इंग्लैंड सीरीज में और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जब गिल फेल हुए, तो मयंक को ऑलरेडी टीम में शामिल करने की डिमांड उठने लगी। सुनील गावस्कर ने यहां तक कह दिया भाई साहब कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आई मीन दोनों को प्रैक्टिस मैच खिलाओ और जो अच्छा करे उसे इंग्लैंड के खिलाफ ओपनर बनाओ। लेकिन अब नहीं लगता कि इन सब की कोई जरूरत पड़ेगी। मयंक अग्रवाल इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे और ये बात अपन आपको लिख के भी दे सकता है। रिप्लेसमेंट की लिस्ट में दूसरा नाम है केएल राहुल का। वैसे तो राहुल अपना लास्ट टेस्ट मैच 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले थे, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो इंडिया के साथ ऐसे ही जुड़े हैं जैसे राजा के साथ रेंचो जुड़ा था। टेस्ट में राहुल का एवरेज ठीक ठाक 35 का है, उन्होंने 5 सेंचुरी भी लगा रखी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर है 199, जो कि उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही लगाया था। मतलब ये कि उनको इंग्लैंड में रन बनाना बहुत पसंद है। ऐसे में अगर टीम मैनेजमेंट उनको ओपनर बनाकर खिला ले तो हैरान होने की कोई बात नहीं। लेकिन हैरान होने वाली बात अब मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है, चाहे सूरज पश्चिम से उगना क्यों ना शुरू कर दे, चाहे सल्लू भाई शादी क्यों ना कर ले, चाहे नवंबर में दिल्ली में आपको पोल्यूशन से फ्री नीला आसमान देखने को क्यों ना मिल जाए, लेकिन ये नहीं होने वाला। क्या नहीं होने वाला? मेरी पर्सनल चॉइस। क्या है ना कि मेरा पर्सनल चैनल है, मेरी वीडियो है, इसलिए मैं अपनी बात तो कह के रहूंगा। और मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक, यस डीके भैया, एज एन ओपनर बढ़िया साबित हो सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले कि आप रिएक्ट करो अलग तरीके से, मैं आपको ये बता दूं कि कार्तिक भैया का आधा टेस्ट करियर सिर्फ इसी बात पे डिपेंड कर रहा था भैया कि धोनी कब घायल होंगे। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि हम आखिरी बार 2007 में इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज जीते थे, तब डीके भैया दिनेश कार्तिक वसीम जाफर के साथ ओपनर थे और उन्होंने उस सीरीज में 43 के एवरेज से रन बनाए थे। कार्तिक फिलहाल कमेंट्री टीम का हिस्सा है और इंग्लैंड में ही है, मतलब उनके आने जाने का खर्चा भी नहीं लगना है। बाकी अपना काम बताना था, बीसीसीआई वाले चाहें तो अपने हिसाब से देखें। लेकिन टीम इंडिया 15 जुलाई को बायो बबल में वापस लौटेगी और 2 प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद 4 अगस्त से इंग्लैंडी टीम के साथ भिड़ेगी। उस दौरे पर अपना पूरा फोकस बना हुआ है, आप भी अपना फोकस जरा हमारे सब्सक्राइब बटन के ऊपर लेके जाओ और चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन भी जरूर दबाना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर तो हम आपको मिल ही जाएंगे। बाकी कल मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।